अंकिता जी टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे टॉप थ्री फिक्स थे

आप उस घर से निकलते हो ना आपको बहुत अच्छा लगता है ट्रस्ट मी क्योंकि आप इतने दिन से वहां बंद हो रहे हो और यू uh, नो you know, एक uh, एक केज में रह रहे सुंदर सा केज होता है जिसमें आपको रखा जाता है तो जैसे ही मैं बाहर आई मैंने एक एक बहुत अच्छा मैं सबको बोल रही actually, ये ये चीज़ लेकिन एक्चुअली सच है कि मैंने स्काई देखा और मुझे इतनी खुशी मिली मुझे लगा फाइनली एम आउट ऑफ इट बट ये हारने का दुख ऑफकोर्स होता है लेकिन एट दी एंड यू नो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि कॉम्पिटिशन है और कोई वन नंबर आएगा कोई टू नंबर आएगा कोई थर्ड नंबर आएगा और कोई फोर्थ आएगा Right. तो आई थिंक मेरे लिए वो लिखा हुआ था कि मैं चौथे नंबर पर आऊँ और मैं आई और मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उस उस तक पहुँचने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की थी <laughs> और अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी थी लिटरली <laughs> तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो गया मेरी लाइफ में कि मैं बहुत बड़ा कुछ हार गई हूं और मैं बहुत दुखी हु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हाँ बट थोड़ा ऐसा होता है कि आप शॉक रहते हो क्योंकि आपको पता है कि बाहर आपके इतने सारे लोग हैं जो आपसे इतनी सारी उम्मीद लगा कर बैठे हैं और जो चाहते हैं आपको जीतना देख तो थोड़ा दुख होता है लेकिन इन सब के बाद भी जब आप स्टेज पर आते हो और सलमान सर आपको ये बोलते हैं कि यू आर द विनर फॉर मी आई थिंक दैट इज इट वो जब बोल देते हैं तो मतलब वो तो सच्ची बात होगी राइट अगर सलमान सर क्योंकि वो भी हमारे साथ उस जर्नी का पार्ट रहे हैं और उस जर्नी का एक हिस्सा रहे हैं

से लोग मिलते हैं और फिर वो जब भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कोई सवाल मैं सिमिलर पूछने वाला जो मैंने विक्की भैया से भी पूछे थे कुछ दिन पहले सबसे पहला सवाल जो पहला हफ्ता था जो मैंने फोकस किया तो पहले दो या नहीं पहले हफ्ते की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे कई बार आपने कहा की विक्की भैया विक्की जी आप मेरे साथ बैठिए मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए हाँ। आप ये रूम में रहते थे मन के तो दिल के रूम में रहते थे उधर दोस्ती करते थे तभी आपके मन में क्या चलता रहता रहे मुझे ऐसा लगता है की और विक्की कभी इतने सारे अलग अलग लोगों के साथ रहे रहें सत्रह लोग लोगों के साथ अलग रहना और मैं मैं सी हूं मुझे अपना हस्बैंड का टेंशन पूरा चाहिए और जब वो गया तो वो वो बहुत क्विक था सबसे दोस्ती करने में और शायद मैं नहीं हूँ मुझे टाइम लगता है तो मुझे लगता था आपको सबके साथ जेल होना पड़ेगा आपको सबके साथ यू you नो know, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर आप लोगों को नहीं जानोगे तो कैसे चलेगा बट बेचारे विकी पे मैंने बहुत अत्याचार कर दिया मुझे भी लगा कभी ऐसा लगा सबसे ज्यादा की आगे ज्यादा

कुछ भी हो सिचुएशन हो आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई रिलेशनशिप इन एनी केस मुनावर की जीत पे क्या लग रहा था मतलब लोगों का प्यार उनके लिए बहुत ज्यादा है तो मुझे कहीं ना कहीं जब अभिषेक और मुन्ना खड़े थे बट कहीं ना कहीं अभिषेक का भी लग रहा था क्योंकि अभिषेक ने भी बहुत मेहनत की है शो में और उसने अपने फॉलोअर्स गेन किए हैं शो में आके यू नो तो मुझे ये

हाँ हाँ, अभिषेक नहीं बोला हाँ, है ना। आप रिलेशन हाँ. को इतना इतना इम्पॉर्टेंट देते और सामने वाले ऐसा बोलते तो तब क्या हैं आपको मुझे से लगता है ये maturity है ये और यू uh, you know, नो जब नए नए आप बनते हो कुछ तो एक होता है यार उसको लग रहा होगा कि उसको नहीं लगी होंगी मैं डिजर्विंग एंड इट्स ओके किसी के बोलने ना बोलने से मैं नॉन डिजर्विंग तो नहीं होती और मुझे पता है कि उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी जर्नी कैसे यू नो पास की है तो so, आई थिंक बहुत इनिशियल स्टेज है अभी अभिषेक के करियर की भी एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट क्योंकि कुछ है नहीं मुझे घर के अंदर विक्की एंड अंकिता जी गए थे बट पॉपुलर विकी की मम्मी ज्यादा हुई देखिए एंड एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा ये जो छत्तीसगढ़ी मॉम रहते हैं ना वो काफी पॉजिटिव होते हैं अपने बेटे के लिए मेरी मॉम भी छत्तीसगढ़ से तो इसके लिए मुझे पता है आपने इंटरव्यूज देखे उनके जितने भी बाहर बाहर आके कोई इंटरव्यूज नहीं देखे लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी जैसी मैं हूँ ना अपने पति के लिए पॉजिटिव वैसे उसकी मम्मी भी है उसके लिए पॉजिटिव यू नो सो इट्स ओके ये चीजें होती रहती है उनको शायद विक्की को उन्होंने पहली बार रोते हुए देखा और उनको नहीं अच्छा लगा होगा तो उनके अंदर से वो चीज निकल

2024 2024? की शुरुआत काफी अच्छी हुई है. Course, yes. में कि अब आएगा, अब आएगा। लेकिन नहीं अच्छा हुआ क्योंकि मुझे मौका मिलेगा प्रमोशंस करने का अपनी फिल्म का तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट और कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं लाइनअप है और स्क्रिप्ट uh, रीडिंग चल रही है और अच्छे uh, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो जो भी होगा आपको डेफिनेटली पता चलेगा Thank you so much. Thank Aiki you Dhabi. so Thank much. You. Lovely talking to you. See you.